बच्चों को केवल टैलेंट दो, बच्चों को केवल योग्यता दो, बच्चों को केवल संस्कार दो, पैसा तो अपने बल पर कमा लेंगे। जो तुमने कमाया है वो कुछ बच्चों को दो, पर कुछ अपने हाथ से पुण्य करो ताकि उसका फल आपको प्राप्त हो। बेटे को देने के बाद वह पुण्य नहीं है, बेटे को करोड़ दे देना पुण्य नहीं होता, लेकिन किसी भूखे को भोजन कराना पुण्य होता। इसलिए हम ये नहीं कहते बेटों को कुछ नहीं देना चाहिए, बहुत कुछ देना चाहिए, दो, पर कुछ अपने लिए बचा के रखो। इतना बचा के रखो कि आप चारों धाम अपने बल पर कर लो। आज आप सारा पैसा बेटों को दे दोगे ना, तो कल आप कहोगे कि बेटा जरा हमें दान करना है, जरा 5000 देना, तो बेटा कहेगा माँ 5000 दान क्यों करना है, 500 दान कर दो, वो तुम्हें गणित सिखाने लग जाएगा। इसलिए अपने हाथ से कर लो, नहीं बेटों के भरोसे तुम दान पुण्य करोगी मांग मांग के, तो वो देंगे भी नहीं तुम्हें, और ज्ञान और देंगे, ज्ञान बघारेंगे कि मैं इतना। एक कथा सुनाता हूं, सुनो। एक पिताजी और एक माताजी, बुढ़ापे का समय था, दोनों बूढ़े थे, उनका एक ही बेटा था, एक बेटा था एक बहू थी, और बहू बेटा काम करते थे, 20-25 हजार रुपए बेटा कमाता था महीने का। एक दिन बूढ़े बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अच्छा बूढ़े बाप ने सारा पैसा बेटे के नाम ट्रांसफर कर दिया था, सब दे दिया था। एक दिन बाप ने बेटे से कहा, बेटा जरा हमारे सभी दोस्त लोग, हमारी उम्र के लोग वृंदावन जा रहे हैं, टूर जा रहा है, बस जा रही है, तो जरा हम जा रहे हैं दोनों, तुम्हारी मम्मी और हम जा रहे हैं, थोड़ा खर्चा लगेगा बेटा। बेटे ने पूछा, पापा कितना खर्चा आएगा? बोले, हम दोनों का 25000 रुपए है, 25000 तुम दे दो तो हम दोनों जाएंगे, 7 दिन का टूर है, 7 दिन रहना खाना 25000 में ही रहेगा। बेटे ने कहा, राम राम पिताजी, ये समय, ये उम्र आपकी टूर करने की है? अरे माँ बीमार रहती है, कुछ हो गया रास्ते में तो, देखो बच्चे के बहाने ना देने के। बहू ने भी कहा, माँ जी आप तो बीमार रहती हैं और खर्चे इतने हैं, पैसे तो बचते नहीं हैं बहुत ज्यादा, कहाँ से लाएंगे 25000 रुपए? बाप ने कहा, बेटा मैंने सारी कमाई तुझे दी है, लाखों में दी है, लाखों रुपए तुझे दिए हैं, और 25000 रुपए तू देने में इतना आनाकानी करता है। तेरे सपने बचपन में तू एक बार कहता था सारे सपने पूरे करते थे, और तेरे सपने के चक्कर में हम लोग कहीं घूमने नहीं जा पाए कि बेटा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, तेरे लिए सारी जवानी कुर्बान कर दी, और आज 25000 के लिए नाटक कर रहा है। नहीं दिया बेटे ने, बाप चला गया घर से, शाम हो गई, लौटा नहीं, बड़ी चिंता में पड़ गई पत्नी। जब आए तो बोला, क्यों जी कहां चले गए थे, नाराज हो गए क्या? ना मैं नाराज नहीं हुआ, मैं टिकट बुक कराने गया था। तो पत्नी ने पूछा, कितना पैसा कहां से ले आए, 25000 रुपए कहां से आया? बेटे ने भी पूछा, बहू ने, बेटे ने कहा, पिताजी आपने कर्जा ले लिया क्या? बाप ने कहा, ना बेटा मैंने कर्जा नहीं लिया, मैंने अपने समय में कुछ पैसे बचा के रखे थे, एफडी कर दी थी, उसे तोड़ने गया था, और उसी एफडी 50000 की मेरी एफडी थी, तो मैंने 25000 रुपए निकाल लिए हैं, और हम दोनों वृंदावन जा रहे हैं, बिहारी जी का दर्शन करेंगे, कथा सुनेंगे, और सुनो बेटा जब हम वहां से लौट कर आएंगे ना, तो तुम बहू बेटा अपना खुश रहना, हम लोग अकेले रहेंगे, अलग रहेंगे, जो हमारे सपने पूरे, जब बच्चे के सपने माँ बाप पूरे करते हैं, तो माँ बाप के सपने पूरे करना बच्चों का धर्म होता है। तुम जरा से सपने पूरे ना कर पाए, तुम माँ बाप के लिए जरा सा खर्चा ना कर पाए, माँ बाप की सारी दौलत लेके उनके नाम पर जरा सा दे ना पाए, बेटा अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, उस बच्चे को बड़ा गिलानी हुई कि मैंने सच्ची पिता के साथ गलत किया। उसने चरणों में झुककर क्षमा मांगी, पिता को गले लगाया, रोया, गिड़गिड़ाया, बाप तो बाप है माफ कर दिया। पर एक सबक है सबके लिए कि माँ बाप, मैं आपसे फिर प्रार्थना कर लूं कि सारी संपत्ति बच्चों के नाम करना अच्छा नहीं है, कुछ अपने लिए बचा के रखो। वसीयतनामा में ये लिख कर जाओ कि जब मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा तो बच्चों की होगी। यदि तुमने जीते जी कर दिया, कल को बच्चे लेकर नहीं सेवा करेंगे, क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा, कहां जाओगी बुढ़ापे में? थोड़ा सा पैसा रहेगा तो दबाव रहेगा, बच्चे चलो लोभ लालच के बस में ही करेंगे, सेवा तो करेंगे, दो रोटियां तो देंगे। इसलिए पैसा बचा के रखना चाहिए आपके पास बुढ़ापे में, ज्यादा भाव में आके सब ना दे दो भाई, जाना तो बच्चों को ही है ना,
तुम्हारे दो बच्चे हैं तो दोनों को लिख के जाओ कि इतना बच्चे बड़े बेटे को इतना छोटे, बस ये इतनामा में लिख दो और लिख के आनंद से रहो, जो तुम्हारी सेवा करे उसको दो। पर बुढ़ापे के लिए थोड़ा सा धन बचा के रखो, कल को तुम्हारा मन हुआ कि हम जरा दान कर लें तो बेटों से मांगते फिरोगे क्या? जरा सा हम पुण्य कर लें, जरा हम वृंदावन जा रहे हैं, किराया खर्चा तो लगेगा ही, सब बेटों से मांगोगे, कुछ अपने लिए बचा के रखो, बुढ़ापे के लिए काम आएगा। विद्याकंठ की रुपया गंठ का काम आता है, इसलिए बचा के रखो। आप लोगों ने बचा के रखा कि मैया की नहीं? 10-20 लाख रुपए बचा के रखना। हाँ, और ना बचा हो कुछ भी, सारा खर्चा हो गया हो तो भी बहू से कहते रहना भी 5 लाख की एफडी है, झूठी कहती रहना, सेवा तो करेगी। हाँ, 10 रुपए के स्टाम्प में लिख देना, मरने के बाद तेरी, मरने के बाद बहू जाएगी तो बैंक अपने आप भगा देगी, पागल औरत, चल। आपकी सेवा होनी चाहिए, मैं ये चाहता हूं, मैं आपके पक्ष में हूं कि आपकी किसी भी बहाने सेवा होनी चाहिए। चमकाती रहो बहुओं को कि 5 लाख की है, अभी ज्यादा आंख ना दिखा। सही है भैया, किसी प्रकार से मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, नहीं पैसा है तो भी मैं बातों बातों में ही। कुल मिला के निवेदन यही है कि आपके पास हाथ खाली नहीं होने चाहिए, इसलिए जब पैसा आए तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जरा बचा के रखना चाहिए और धन को सदा धर्म से जोड़ना चाहिए।